हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की मीठी चटनी। बहुत ही टेस्टी बनाती है, इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हम इमली की चटनी बनाने के लिए पहले इमली ले ली है। अब हम इसमें डाले हैं गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसमें फिर से हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिए हैं। अब हम इसमें के जितने भी बीज हैं सब हम निकाल लेंगे। इसमें के हम सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम एक चाय छन्नी लिए हैं। अब हम इसे इमली का पानी से अच्छे से छान लेंगे। इधर हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब हम इसमें डाले हैं रिफाइनर। इधर मेरा इमली का पानी रेडी है। तो इसमें हम तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम डाले एक छोटा चम्मच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पानी। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम सबको अच्छे से चला लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मीठा, गुड़, और इसमें डालेंगे चीनी। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच काला नमक। अब हम सबको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से गैस का फ्लेम लो रखे इसे हम गाढ़ा होने तक पकने देंगे। तो इधर मेरा इमली का चटनी बनके हो गया रेडी। बहुत ही टेस्टी बना है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।